वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईटीएम्स। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस लाइक उसका ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म कैसे काम करती है। उसके बाद होमोजीनियस इक्वेशन, जिसमें हम पूरी इक्वेशन को वाई बाई एक्स या फिर एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें किसी भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देते हैं dy by dx plus py equals to q, या फिर dx upon dy plus px is equals to q, जिसमें p और q जो है वो केवल x के फंक्शन होते हैं। तो ये तीन टाइप ऑफ हमने मेथड्स पढ़े थे किसी भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर फर्स्ट ऑर्डर की बजाय हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, हायर ऑर्डर में हम लोगों ने देखा था कि उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए। तो यहां पर हम लोगों ने दो कैटेगरीज की इक्वेशन पढ़ी थी, एक थी हमारी होमोजीनियस इक्वेशन और एक थी हमारी इनहोमोजीनियस इक्वेशन। हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारा एफ डी इज इक्वल टू जीरो होता है तो उसे हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं, और अगर हमारा एफ डी इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स होता है तो उसे हम इन होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। इन दोनों को भी सॉल्व करने के तरीके हम लोगों ने सीखे थे कि सबसे पहले हम यहां से इसको सॉल्व करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन को, उसके रूट्स निकालते हैं और उनके बेसिस पर हम एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। और जैसे ही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख जाता है तो हमारा आधा काम खत्म हो जाता है। अब हमें इस जी एक्स के कोरस्पॉन्डिंग कुछ फंक्शन निकालना होता है, जिसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रेशन बोलते हैं पी आई। उसके लिए हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगर फंक्शन है तो उनके बेसिस पर किस तरीके से हम पी आई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें अगर सी एफ मिल जाता है, पी आई मिल जाता है, तो हमारा जनरल सोल्यूशन हमें आसानी से मिल जाता है। ये तो थे एक पर्टिकुलर मेथड किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और भी कुछ मेथड्स होते हैं, उनमें सबसे पहला मेथड है किसी लैपलास ट्रांसफॉर्म अगर हम किसी इक्वेशन का कर दें तो उस इक्वेशन का आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि लैपलास ट्रांसफॉर्म से कैसे हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लें। तो उसको समझने से पहले आज हम डिस्कस करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म के बारे में कि ये होता कैसा है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं या फिर लैपलास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का निकालते कैसे हैं। तो देखिए, मान लीजिए हम एक फंक्शन लिखते हैं एफ टी, जिस एफ टी का मतलब वो टाइम डोमेन में फंक्शन है और उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म हम लिख रहे हैं जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, उसे हम एफ एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पर एस का मतलब है एस रिप्रेजेंट करता है अल्फा ओमेगा। अब डिफाइन कैसे किया जाता है किसी भी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ एस, इसको हम डिफाइन करते हैं एफ एस इक्वल टू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, दैट इज जीरो टू इंफिनिटी। हम एक इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं जिसको जीरो, जिसकी लोअर लिमिट जीरो होती है और अपर लिमिट इंफिनिट होती है, तो जीरो टू इंफिनिटी एफ टी टी टू दी पावर माइनस एस टी डी। एस हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म की फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है। तो किसी फंक्शन को अगर हम टी टू दी पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी तो वो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म देता है। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा एफ टी वन अगर होता, एफ टी अगर वन है तो उस केस में हम देखिए कैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे। एफ एस हम लिखेंगे जीरो टू इंफिनिटी, एफ टी की जगह वन पुट कर देंगे ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। इस इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा माइनस वन बाई एस ई टू दी पावर माइनस एस टी जीरो टू इंफिनिटी। जब आप अपर लिमिट रखोगे तो आपके पास जीरो आएगा और जब लोअर लिमिट रखोगे तो वन आएगा, माइनस वन आएगा, माइनस और माइनस वन हो जाएंगे। तो बेसिकली आपका अगर फंक्शन वन है तो जो आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म है वो वन बाई एस आता है। उसी तरीके से अगर आपका फंक्शन मान लीजिए टी होता, टी मतलब टाइम की पावर वन, तो फिर से आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास टी ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी आएगा। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस टी बाई एस ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पार्ट बाई पार्ट यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के। टाइम को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और ई टू दी पावर माइनस एस टी को या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम सेकंड मान लेंगे ताकि हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए। बेसिकली फर्स्ट फंक्शन हम उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से करने पर वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो वन हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड। वैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम आईलेट यूज भी करते हैं। आईलेट रूल आपने पढ़ा होगा, आईलेट का मतलब फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, किसको प्रायोरिटी देनी है। फर्स्ट टी वन है तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म हमारा वन बाई एस होता है। अगर एफ टी टी है तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी
और इसको जो सॉल्व करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन मिलेगा माइनस टी बाई एस ई टू दी पावर माइनस एस टी माइनस वन बाई एस स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एस टी और हमारी लिमिट होगी जीरो टू इन्फिनिटी। जब आप इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म जीरो हो जाएगा और जब जीरो लिमिट पुट करेंगे तो टी वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली ये टर्म आपको हमेशा जीरो देने वाला है। लेकिन अगर आप इस टर्म की बात करोगे तो इन्फिनिटी पुट करने पे तो ये जीरो होगा लेकिन जीरो पुट करने पे ये आपको वन बाई एस स्क्वायर का टर्म देगा। तो बेसिकली लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी होता है हमारा वन बाई एस स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम किसी भी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। इसका एक बार एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हम लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर t निकालना चाहते हैं e टू दी पावर at, तो हम लिखेंगे fs equals to integration 0 to infinity e टू दी पावर at into e टू दी पावर minus st dt और इस एक्सपोनेंशियल टर्म्स को कॉम्बाइन कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एस माइनस ए टी डी टी। इसको जब आप सॉल्व करोगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 बाई एस माइनस ए। तो बेसिकली e टू दी पावर at का जो लैपलास ट्रांसफॉर्म है वो 1 बाई एस माइनस ए होता है। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं और आपको ये याद रखना होगा कि देखिए 1 का हमने देखा था 1 का लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है 1 बाई एस, t का हम लोगों ने देखा 1 बाई एस स्क्वायर, उसी तरीके से t स्क्वायर t क्यूब इन सब का जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला मिलेगा कि हम t टू दी पावर n का लैपलास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो आता है n फैक्टोरियल अपॉन s टू दी पावर n प्लस 1। n फैक्टोरियल का मतलब आपको पता है, जैसे मान लीजिए आपको 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 से आप मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए 4 3। याद रख सकते हैं कि क्या क्या हमारे लैपलास ट्रांसफॉर्म होंगे। जैसे 1 का लैपलास ट्रांसफॉर्म हमारा 1 बाई एस है, t का 1 बाई एस स्क्वायर है, t की पावर n का n फैक्टोरियल अपॉन s टू दी पावर n प्लस 1 है। याद रखेंगे n हमारा एक इंटीजर है, अगर ये इंटीजर ना होके कोई नॉन इंटीजर नंबर होता है फ्रैक्शन होता है तो उस केस में हमें लिखना होगा गामा a प्लस 1 अपॉन s टू दी पावर a प्लस 1, जिसमें गामा को हम डिफाइन करते हैं गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n इनटू गामा n, चाहे तो इसको फिर से लिख सकते हैं n into n minus 1 into gamma n minus 2। इस तरीके से हम इसको फर्दर आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे कि गामा अगर हाफ है तो उसकी वैल्यू होती है रूट पाई, गामा हाफ हमारा रूट पाई होता है। ये हम निकाल चुके हैं e to the power at का जो लैपलास ट्रांसफॉर्म है वो 1 by s minus a होता है। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शंस के लैपलास ट्रांसफॉर्म देखते हैं। साइन at का अगर हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो ये होता है a upon s square plus a square, और cos at का अगर आपको निकालना है तो ये होता है s upon s square plus a square। अब इसमें देख सकते हैं कि जो sin और cos टर्म है उनके नीचे का जो डिनोमिनेटर है s square plus a square वो फिक्स है, लेकिन अगर हमारा sin at होता है तो a हमारा यहाँ पे आता है, लेकिन अगर cos at होता है तो यहाँ पर s आता है। तो आपको ये याद रखना है कि cos में आपको यहाँ पर s लिखना होगा और sin में आपको यहाँ पर a लिखना होगा। ये दोनों क्वेश्चंस कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आप याद रखेंगे कि दोनों में नीचे s square plus a square होता है और ऊपर के न्यूमिनेटर के लिए कंफ्यूज ना हो, cos में s आएगा और sin में a आएगा। उसी तरीके से अगर हम हाइपरबोलिक फंक्शंस की बात करते हैं तो sin हाइपरबोलिक और cos हाइपरबोलिक दोनों ही केस में s square minus a square आता है डिनोमिनेटर में, लेकिन अगर हमारा साइन है तो यहाँ ए आएगा, कॉस है तो यहाँ पर एस आएगा। इतना आपको याद रखना है। कुछ एक छोटी सी ट्रिक भी हो सकती है कि मान लीजिए दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक e टू दी पावर bt है और एक साइन at है, तो जब भी हम किसी फंक्शन में e टू दी पावर समथिंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम s को जो हमारा फ्रिक्वेंसी डोमेन है उसको हम s माइनस b मतलब जो कोफिशियंट है b का उससे मल्टीप्लाई मतलब रिप्लेस कर देते हैं, s इज रिप्लेस बाय s माइनस b। जैसे यहां पर हम लोग कर रहे हैं e टू दी पावर bt sin at, sin at का लैपलास ट्रांसफॉर्म हमें पता है a / s स्क्वायर + a स्क्वायर होता है, तो जहां जहां पर s आएगा वहां वहां पे लिख देंगे s माइनस b, ये हो जाएगा a / s माइनस b का होल स्क्वायर + a स्क्वायर। अगर मान लीजिए ये होता आपका फंक्शन होता ft = e टू दी पावर bt या फिर लिख सकते हैं e टू दी पावर 5t इंटू t की पावर 3, सपोज ये होती, तो हम अगर t की पावर 3 का अलग से लैपलास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन t टू की पावर 3 प्लस 1, यहां से आप देख सकते हैं,
3 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 4। अब क्योंकि इसमें 5t से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इस s को रिप्लेस कर देंगे s माइनस 5 से, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल हमारा होता है 6, तो 6 अपॉन s माइनस 5 की पावर 4, ये हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा e टू द पावर 5t t टू द पावर 3 का। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। आज हम लोगों ने लैपलास ट्रांसफॉर्म का बेसिक पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस लैपलास ट्रांसफॉर्म को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम।